हेलो भाइयों, ये तगड़ी वाली धूप देख रहे हो भाई। 44 डिग्री तापमान पड़ रहा है और उसमें हमारी स्कूटी का हो चुका है टायर खराब। ये कंपनी से ही लग के आया था भाई और अभी चल चुकी है ये 15,278 किलोमीटर। और ये दिखा देता हूँ कौन सी, शेट कंपनी का आया था भाई ये टायर, देख लो आप, शेट कंपनी का आया और बिल्कुल ये घिस ही चुका है ना। तो यहाँ पे ही एक JK की एजेंसी है, हम यहाँ पे आ गए। हम क्या टायर डलवाई लेते हैं क्योंकि इसमें हवा नहीं रुक रही यार। अब धूप, इतनी धूप पड़ रही है, देखो तगड़ी धूप पड़ रही है, 44 डिग्री तापमान है। तो इसमें सोचा कि हमने क्यों ना किया, JK का टायर डलवा लेते हैं, इसके अंदर वो बढ़िया सर्विस देता है। तो यहाँ JK की एजेंसी है ना, इस पे आ गए। अभी टायर वायर पूछ लेते हैं कितने का आता है, कितने का नहीं आता है, वो सब पता लग जाएगा इस वीडियो में। ये लो भाई, भाई ने इतनी जल्दी टायर खोल भी दिया था, देखो 4 नट लग रहे हैं। उसके बाद में काफी इजी होता है इसको निकालना। क्या इधर करना बैठे इसको भाई, मेरे हिसाब से ना JK का टायर सबसे बढ़िया सर्विस देता है। बाकी MRF वगैरह ये तो भाई मेरे को अच्छे नहीं लगते, ना ये सेट का इतनी इसने सर्विस दी है। ये टायर डलने वाला है भाई और इसकी 6 साल की गारंटी है, फूल जाए मतलब बाय द वे कहीं से फूल जाता टायर तो 6 साल की गारंटी है, आपको बदल के देंगे। और दूसरी गारंटी भाई 3 साल तक है कि भाई इसमें कट वट लग जाए, साइड में कट वगैरह लग जाए तो वो भी ये चेंज करके देंगे। आप एजेंसी चले जाओ, आपको दूसरा टायर दे देंगे। ये लो भाई, भाई कितना ईजी होता है यार खोलना, मशीन आजकल ऐसी ऐसी चल गई है। ये लो फटाक से दबाया, खुला, वाह कितना ईजी है भाई, वरना पहले इतनी मेहनत लगती थी भाई, हथौड़े मार मार के खोलना पड़ता था टायर को, पर ये काफ़ी इजी हो गया है। अब देखो इससे दबा रहा है भाई, पैर में नीचे पता नहीं इनके पास क्या एक्सलेटर सा है, उससे दबा दबा के इसकी ये नीचे से ये वर्क कर रही है, इसकी जो नीचे लग रही है इसकी। अब ये मशीन दूसरी ली और इस अंदर घुसाएगा और यूँ घुमा देगा भाई, पूरा इजी है बहुत यार इसको खोलना। देखो ये लो भाई, दूसरा टायर वो तो निकाल दिया, अब ये टायर अपना चढ़ा भी दिया भाई ने, और यही उसी मशीन से निकाला था, इसी मशीन से वापस लगा भी दिया है। ये लो भाई अपनी नया टायर लग चुका है अब अपने स्कूटी के रिम के अंदर। वैसे नली वगैरह इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी भाई। और ये है भाई अपना पुराना सेट का टायर, और इसके नंबर भी कुछ इस तरह से हैं, 90-100 करके कोई, जो सेम नंबर है उस टायर पर, इस टायर पर सेम नंबर का टायर लगता है, अलग अलग नंबर का टायर नहीं लग सकता। आगे स्कूटी, अगले वाला टायर नहीं स्कूटी में बड़ा लगता है, पिछले वाला थोड़ा छोटा लगता है साइज में। तो ये है भाई, आप देख लो। चलो इसको तो बाय बाय बोलते हैं, हम नया वाले से अपना काम चलाएंगे। ये भाई ने एकदम से इसमें इसमें क्या होता है ना, एकदम से हवा भरनी पड़ती है, तो बिना वाल के वाल कस दिया भाई ने ऊपर से। ये लो भाई फाइनली इतने का पड़ा है भाई, लगाई सहित लेके इन्होंने कि कितने रुपए लगाने के लिए, 937 रुपये का टायर, फिर GST लगा के, और ये 1200 रुपये का टोटल मेरे को पड़ा पिछला टायर स्कूटी का। ठीक है, ये है भाई अब लग गया टायर, यार गर्मी में परेशान कर रहा था इसलिए मैं लगवा। चलो भाई डल गया अपना टायर, 1200 रुपये का डलाया। आपको धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।